नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानेंगे एक नई औषधि के बारे में, चिरौंजी के बारे में। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस बना करके नई जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ, आप सभी को सबसे पहले जानकारी मिल पाए। और इसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसी के साथ साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि अन्य ज़रूरतमंद लोगों के साथ भी जानकारी साझा हो सके। जी हाँ, अब आइए जान लेते हैं चिरौंजी से आप क्या फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज कब्ज को दूर करने से रिलेटेड। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सी बीमारियों का घर बन जाती है। यानी कि अगर आपके पेट में कब्ज है, यानी कि आपको कब्ज की बीमारी है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से परेशान रहने वाले हैं। आपको कब्ज होगी, फिर गैस बनेगा, गैस बनेगा तो 80 तरह का वात का रोग होगा आपको। इसके अलावा बवासीर से लेकर के अन्य तरह के रोग भी आपको सताने लगते हैं। इसीलिए पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, पेट को क्लीन करने के लिए फाइबर युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां और छिलके के साथ खाए जाने वाले फलों का सेवन अवश्य करें, या फिर सुबह सुबह भीगे हुए चने जरूर खाएं। लेकिन कब्ज को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है, जो बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल होती आ रही है। जी हाँ, चिरौंजी। चिरौंजी के करीब आपको 10 दाने दूध में उबाल लेना है, तभी ये फायदा करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर दानों को निकाल करके आपको चबा करके खाना है। ध्यान रखें, निगल नहीं जाना है, चबा चबा करके खाना है और दूध को ऊपर से पी लेना है। कब्ज की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। कब्ज को दूर करने के लिए ये बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, इसके अलावा जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए भी चिरौंजी को जाना जाता है। चिरौंजी को गर्म दूध के साथ खाना चाहिए। दूध को उबालकर उसमें घी और हल्दी डाल लेना चाहिए, फिर चिरौंजी को उसके साथ खाना चाहिए। इससे आपको दर्द से राहत मिल जाएगी, यानी कि जोड़ों के दर्द से आप इसकी सहायता से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।